बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नूरतन डोली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरें यानी सुपर फाइव का समय हो चुका है। दिन भर क्या कुछ खास रहा बहुजन समाज के लिए आज से, वो पांच बड़ी खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली बड़ी घटना की रुख करते हैं, आपको बता दें कि जाति के आधार पर रेजिमेंट बनाने को लेकर केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। दूसरी बड़ी घटना की रुख करते हैं, आपको बता दें अखिलेश यादव की जो बैठक है वो शनिवार को होगी राष्ट्रीय कमेटी की। तीसरी बड़ी घटना की रुख करते हैं, आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए आज नामांकन हुए। चौथी बड़ी घटना की रुख करते हैं, आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर कई राज्य सरकारों ने छुट्टियां अवकाश घोषित कर दिए। पांचवी बड़ी घटना की रुख करते हैं, आपको बता दें कि बीजेपी के नेता कुलदीप सेंगर को पीड़िता के पिता की मौत के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। तो ये आज की पांच बड़ी घटनाएं जिन पर हम चर्चा करते हैं विस्तार से और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सी घटना आपके लिए कामयाब है। पहली बड़ी घटना की रुख करते हैं, आपको बता दें कि कई दिनों से बहुजन समाज के लोग जो चमार रेजिमेंट को लेकर मांग कर रहे थे, उस मांग को अब केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया। आपको बता दें कि सेना के अंदर चमार रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर कई सालों से लगातार बहुजन समाज के लोग संघर्ष कर रहे थे। इसी को लेकर केंद्र सरकार ने इस पर रुख साफ कर दिया और उन्होंने साफ किया है कि अब किसी भी जाति, धर्म या मजहब के नाम पर हम जो है रेजिमेंट नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी बैठकें हुई है और उस बैठकों के अंदर भी यह निर्णय लिया जा चुका है, इसलिए हम किसी भी जाति, धर्म, मजहब के आधार पर रेजिमेंट नहीं बनाएंगे। यानी कि जो चमार रेजिमेंट का सपना था उसमें कहीं ज्यादा तराशाई नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी घटना के रुख करते हैं, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को राष्ट्रीय कमेटी की बैठक बुलाई। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी 2022 में होने वाले यूपी चुनाव को लेकर अपने आगे की रणनीति बनाएगी और इसी रणनीति की बैठक के अंदर शनिवार को क्या कुछ होता है ये भी बहुत ज्यादा देखना दिलचस्प होगा। तीसरी बड़ी घटना की रुख करते हैं, आपको बता दें कि राज्यसभा के चुनाव कई राज्यों के अंदर हो रहे हैं, उन्हीं को लेकर आज नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन था, जिसमें आपको बता दें कि बहुजन समाज के वरिष्ठ नेता फूल सिंह बरैया, दिग्विजय सिंह से लेकर कई सारे नेताओं ने भी नामांकन दाखिल किया। चौथी बड़ी घटना की रुख करते हैं, आपको बता दें कि देश के अंदर फैल रही कोरोना वायरस को लेकर कई राज्यों की सरकारों ने छुट्टियां घोषित कर दी। आपको बता दें कि कई राज्यों की सरकारों ने स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, बार, इन तमाम जगहों पर छुट्टी अवकाश घोषित कर दिया है। पांचवी बड़ी घटना की रुख करते हैं, आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाने वाली लड़की को मारने का आरोप आज कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और कोर्ट ने माना है कि पीड़िता के पिता को इसी व्यक्ति ने मारा था। और इसी को लेकर आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने सुना दी है। तो ये आज की पांच बड़ी घटनाएं थी जिन पर आपको ध्यान रखना जरूरी था। मिलेंगे इस नए वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई भी खबर हो तो आप हमारे नीचे दिए व्हाट्सएप